हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ के अब तक किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए और किस जोन पर कितनी सीटों पर कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं एग्जाम में और क्या कंपटीशन रहने वाला है और किस जोन की कट ऑफ ज्यादा रहेगी और किस जोन की कम रहेगी। और अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि अभी भी फॉर्म भरने के 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितने फॉर्म आए, उसी के आधार पर अब आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया उनको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं आरपीएफ में, जो आपको पता है कि आरपीएफ को ग्रुपों में बांटा गया इस बार, ठीक है। किस ग्रुप में कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो, ए बी सी डी ई और एफ, ये कुल ग्रुप हैं और ग्रुपों के हिसाब से वैकेंसी है पुरुष और महिलाओं की, दोनों की। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि ग्रुप ए में अब तक कितने फॉर्म आए। सभी स्टूडेंटों के मन में यही सवाल है दोस्तों, ग्रुप ए में लगभग 4,85,000 के करीबन, यानी आप 5 लाख फॉर्म मान सकते हो ग्रुप ए में। ये दोनों का है, पुरुष और महिलाओं का। लगभग ग्रुप ए में अब तक 5 लाख फॉर्म आ चुके हैं और ग्रुप ए में आप वैकेंसियां देख सकते हो, पुरुषों की है 804 और महिलाओं की है 927। ठीक है दोस्तों, कुल वैकेंसियां लगभग 1,750 के करीबन। तो दोस्तों ग्रुप ए में लगभग एक सीट पर, ठीक है, 300 के करीबन स्टूडेंटों का कंपटीशन फिलहाल हो चुका है। अब देखते हैं आगे 5 से 6 दिन में कितने फॉर्म ग्रुप ए में और लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में वैकेंसी पुरुषों की 440, महिलाओं की 712। अब ग्रुप बी में अब तक फॉर्म 4,60,000 फॉर्म अब तक लग चुके हैं ग्रुप बी में, ठीक है। आप अगर ग्रुप बी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो देख सकते हैं 4,60,000 फॉर्म लग चुके हैं, एक वैकेंसी पर लगभग 400 का कंपटीशन है, यानी एक ग्रुप के मुकाबले ज्यादा है। ग्रुप सी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैकेंसियां ग्रुप सी में है और अभी तक ग्रुप सी में फॉर्म लगे हैं 8,20,000, ठीक है दोस्तों। ग्रुप सी में फॉर्म लगे अभी तक 8,20,000 और ग्रुप सी में भी एक सीट पर कंपटीशन लगभग 310 के करीबन, यानी 300 ही मान सकते हैं आप, 300 का कंपटीशन है ग्रुप बी के मुकाबले। यहां भी कंपटीशन थोड़ा कम है, ग्रुप बी में कंपटीशन ज्यादा है। अब बात करते हैं ग्रुप डी में, सबसे ज्यादा वैकेंसियां सी के बाद ग्रुप डी में हैं। तो दोस्तों आपको ग्रुप डी में सबसे ज्यादा फॉर्म लग चुके हैं अभी तक, 10 लाख से ऊपर फॉर्म लग चुके हैं, लगभग 10.5 लाख फॉर्म ग्रुप डी में अभी तक लग चुके हैं। और ग्रुप डी की आप वैकेंसियां देख सकते हो, पुरुषों की है 1,046, महिलाओं के 1,006। तो दोनों के, पुरुष और महिलाओं के दोनों के अभी तक 10 लाख फॉर्म लग चुके हैं ग्रुप डी में। तो आप देख सकते हैं अगर आप ग्रुप डी में फॉर्म लगाना चाहते हैं तो लगभग एक सीट पर 500 से ऊपर का कंपटीशन हो चुका है ग्रुप डी में फिलहाल अभी तक, और 5 से 6 दिन बाकी हैं तो ये कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं ग्रुप ई की, तो ग्रुप ई में सबसे कम वैकेंसी आपको पता है 160 है और 180 है। तो ग्रुप ई में अब तक लगभग 45,000 फॉर्म आए हैं, लगभग एक सीट पर 120 के करीबन, 20 से 22 के करीबन कंपटीशन है, 122 के करीबन। और कहां ग्रुप डी में एक सीट पर 500 से अधिक जा रहा है। तो ग्रुप ई में वैकेंसियां तो कम है लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंटों ने फॉर्म बहुत ही कम भरा है। अब आगे देखते हैं 5 से 6 दिन में क्या होता है। ग्रुप एफ की बात करते हैं तो ग्रुप एफ में अभी तक लगभग 2,60,000 फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रुप एफ में महिलाओं की वैकेंसियां नहीं है, कुल पुरुषों की वैकेंसियां हैं 666। तो कुल पुरुषों के फॉर्म होंगे टोटल 2,60,000 के करीबन फॉर्म आ चुके हैं, लगभग एक सीट पर 380 के करीबन, ठीक है, 350 से ऊपर का कंपटीशन है। तो अब बात करते हैं कि आप किस जोन से फॉर्म भरो, अभी तक आपने नहीं भरा है तो आपके लिए जोन ए भी ठीक है, क्योंकि यहां भी लगभग 300 से कम ही कंपटीशन है। और जोन सी भी लगभग 300 ही मानो आप, ग्रुप सी में, जोन सॉरी ग्रुप सी में भी कंपटीशन थोड़ा कम है, लगभग 300 के करीबन है, ठीक है दोस्तों। और ग्रुप ई में वैकेंसियां तो कम है लेकिन यहाँ कंपटीशन 200 से भी कम है, एक सीट पर 200 से भी कम है। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, 500 से अधिक का कंपटीशन, एक सीट पर 500 से अधिक का, ठीक है दोस्तों। और अभी 5 से 6 दिन बाकी हैं तो आप देख सकते हैं आपको किस जोन से फॉर्म भरना अच्छा रहेगा। मैं बता दूं आपको, ग्रुप ए सबसे बेस्ट जोन रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप ई और एफ, ठीक है। एफ भी इतने वैकेंसियां 300 से ऊपर जा चुके हैं एक सीट पर, लेकिन ई भी ठीक है लेकिन ई में वैकेंसियां कम है। तो आपके लिए बेस्ट जोन रहेगा ए और सी, ठीक है दोस्तों। ग्रुप डी और ग्रुप बी में कंपटीशन बढ़ चुका है, 400 से ऊपर जाएगा बी में भी, और ग्रुप डी में तो अभी 500 से ऊपर जा चुका है और भी फॉर्म लगने वाले हैं, लगभग 40 से 45 लाख टोटल फॉर्म लगेंगे अभी तक, ठीक है।
लग जाएंगे, लगभग 5 से 6 दिन यहाँ से बाकी हैं, और अभी तक 31 से 32 लाख फार्म हैं, 30 लाख से ऊपर फार्म अभी तक लग चुके हैं आरपीएफ में। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, फार्म चाहे कितने भी लगे, ठीक है। अगर आपको 80+ स्कोर आपने टेस्ट में कर दिया तो आपको कोई रोक लेवाना नहीं है। और अगर आरपीएफ से संबंधित आपको पल पल के अपडेट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई सवाल है कि आप किस जोन से फॉर्म भरे, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।